जी ने पूछा नारद जी ने कि एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बह रही है, ये नदी कौन है? ये है माया। एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं भैया जी, सृष्टि भी हो रही है और प्रलय भी हो रहा है, पैदा भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, यही नदी का दोनों ओर बहना। तो ये दोनों ओर बहने वाली नदी है, तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं इस नदी को पार करने के लिए। तट का सहारा लेते हैं तपस्या विद्या, ये दो उसके तट हैं, एक तट है तपस्या, एक तट है विद्या। लेकिन जब वह व्यक्ति इस अविद्या माया की नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ता है तो क्रोध और अहंकार ये उसको पार नहीं करने देते हैं। अविद्या माया की नदी पार करना तो साधक चाहता, तपस्या का सहारा लेकर, विद्या का सहारा लेकर, लेकिन अहंकार और क्रोध ये उसको गुप गुप करते हैं, गोता लगवाते हैं। ये नदी कहने को नदी है, ये समुद्र से भी भयंकर है, छोटी मोटी नदी नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं, हजारों कोस चौड़ी नदी हो, हजारों कोस चौड़ी नदी हो, उसको आप नदी कहोगे क्या कहोगे? समुद्र से भी बड़ा हो गया ये हजारों, तो मैंने कहा जिसकी कोई सीमा ही ना हो, ऐसी महाराज विचित्र अविद्या माया की नदी है। गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं, तेसामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैयावेशित चेतसां भवामि। तेसामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मैयावे, यही है ना, मैयावेशित चेतसां, जिनका चित्त मुझ में लग गया है ऐसे भक्तों को मैं स्वयं इस माया रूपी अविद्या रूपी नदी से पार उतार देता हूं। इसका मतलब है अपने बाहुबल से इसको पार नहीं कर सकते, केवल और केवल सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच, केवल भगवत शरणागति सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाना।